हो गया। आ रहा है बताओ, कमेंट अभी तक ना आया। कमेंट कीजिए आप लोग, रुक कॉल है रे। हाँ चल रहा है ना। चलो नमस्ते नमस्ते सभी लोग को, सब लोग को गुड मॉर्निंग। आप फट जुड़ जाओ। आप भारत का परिचय का अंतिम टॉपिक, ठीक है ना, भारत के परिचय का अंतिम टॉपिक होगा। और आज पढ़ेंगे द्वीप के बारे में, द्वीप बोले तो आइलैंड। सब यहाँ पे टारगेट भी लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेगा तब भी चलेगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा मतलब जो धीरे धीरे जा रहे हैं उसमें उसी थोड़ा फास्ट में यही चलेंगे, ठीक है ना। आप भारत का परिचय का अंतिम, और थोड़ा जो होगा कुछ सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर उसमें थोड़ा बात करेंगे, लेकिन फास्ट में जाएंगे। चलो हो गया है ना, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर ध्यान दो, आप पढ़ेंगे द्वीप, क्या पढ़ेंगे? अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वीप के बारे में, द्वीप के बारे में, द्वीप के, द्वीप, द्वीप को बोलते हैं आइसलैंड, आइलैंड क्या बोलते हैं, आइलैंद क्या बोलते हैं, आइलैंड द्वीप समझते हैं? भूमि का वह टुकड़ा, भूमि का, भूमि का वह टुकड़ा जो चारों तरफ किससे गिरा हो, पानी से, पानी पानी कर दो, क्या कर दो, भूमि का वह टुकड़ा, भूमि का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से किससे गिरा हो, पानी को से, किससे गिरा हो, तो चारों तरफ पानी से गिरा रहेगा तो इंग्लैंड में आइलैंड क्या बोलेंगे, आइलैंड क्या बोलेंगे, आइलैंड बोले तो द्वीप, आइलैंड बोले तो भूमि का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से द्वीप से घुरा हुआ उसे क्या बोलेंगे, सॉरी पानी से गिरा हुआ क्या बोलेंगे, द्वीप यानी आइलैंड, द्वीप यानी ये अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पनियन है तो क्या है आइलैंड, क्या है श्रीलंका दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पनिए है ना, क्या है आइलैंड, क्या है यहाँ पर छोटा 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 लक्षद्वीप है, क्या है तो ये भी क्या है आइलैंड, क्या है आइलैंड है। यहाँ ध्यान दो, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका भी ये जुड़ा हुआ ना है, यहाँ पानी घुसा हुआ है, चारों तरफ क्या है पानी है, और ये टुकड़वा बीच में है तो क्या है आइलैंड, क्या है, और यह है ग्रीनलैंड, क्या है सबसे बड़ा आइलैंड यही है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड, कौन है ग्रीनलैंड, कौन है ग्रीनलैंड, ये दिखाई दे रहा है चारों तरफ क्या है, अरे धरती देखो कलर है और पानी क्या है ब्लू ब्लू, क्या है ब्लू ब्लू, तो ये क्या है आइलैंड, क्या है, और यह है मेडागास्कर, क्या है मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडा, यहां पर ध्यान दो, ये श्रीलंका हो गया, आइलैंड हो गया है, ये सभी यहाँ पर जितना दिखाई दे रहा है सब पनियम ने छपटा रहा है, न छपटा रहा है तो सब क्या है आइलैंड, क्या है आइलैंड, क्या है ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है हाँ पनियम में है लेकिन बड़का आइलैंड है, क्या है बड़का द्वीप है, बड़का बड़का द्वीप है यानी महाद्वीप, अरे कौन सी है, द्वीप थोड़ा छोटा हो गया लेकिन द्वीपों से भी बड़ा महाद्वीप, द्वीप से भी बड़ा महाद्वीप, पुरुष से बड़ा महापुरुष, पुरुष से बड़ा महापुरुष, द्वीप से बड़ा महाद्वीप, कौन द्वीप, और देवता में बड़ा महादेव, अरे देवता में बड़ा महादेव, समझ आ गया तुम लोग को महादेवता, और पोटन में बड़ा महापोटन, क्या ध्यान दो, तो हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं कि द्वीप क्या होता है, तो द्वीप भूमि का वह टुकड़ा होता है जो चारों तरफ क्या है जल से घिरा होता है, जल से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं द्वीप, क्या बोलते हैं द्वीप कहा जाता है, द्वीप कहा, लेकिन हम लोग अभी वर्ल्ड वाला द्वीप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंडिया के आसपास में कौन द्वीप है, इंडिया के आसपास में कौन द्वीप है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इंडिया के द्वीप जब देखेंगे तो सिंपल बात है एक मिलेगा अरब सागर में, ये अरब क्या है, ये क्या है अरब सागर, ये क्या है अरब सागर, बंबई उम्बई जाएगा समुद्र किनारे गोवा उबा जाएगा तो किसका भाग है अरब सागर के भाग है, और उसी में जो है सब उछलते रहता है, ठीक है ना, अरब सागर, अरब सागर, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की
खारी, बंगाल की खारी है। तो हम लोग का जो द्वीप मिलेगा आसपास में वो कहाँ मिलेगा, या तो अरब सागर या तो बंगाल की खारी या तो बंगाल की, और ये दोनों किसका हिस्सा है। तो निचुआम देखेगा, यहाँ ध्यान दो, निचुआम देखेगा तो पूरा पनिए है ना, यहाँ ध्यान दो, देखो ये क्या है अरब सागर, क्या है ये, क्या है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की, और ये पूरा का हिस्सा है ना ये दोनों, यानी हिंद महासागर, क्या है। तो अरब सागर किसका हिस्सा है, हिंद महासागर, हिंद महा, देखो यहाँ पर सागर से बड़ा महासागर, सागर से बड़ा महासागर, द्वीप से बड़ा महाद्वीप, द्वीप से बड़ा और पुरुष से बड़ा महापुरुष, महा, और देवता में सबसे बड़ा महादेव, कौन सी। तो ये क्या है अरब सागर, अरब, और इस सागर किसका भाग है, तो महासागर, महा, और हिंद और कौन महासागर, हिंद महासागर, हिंद महा। तो ये क्या है इंडिया, ये क्या है इंडिया, ये क्या है, और इंडिया के आसपास में जो द्वीप है वो देखेंगे, क्या करेंगे उसको देखेंगे, उसको देखेंगे, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, छोटा दिखता होगा, उसको काट के खाली इंडिया ला आते हैं, जैसे उसको काट लेते हैं, क्या करते हैं काट लेते हैं, ठीक है ना। इससे अभी काम है हमको, नैन काम है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री जब, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तब उसका काम पड़ेगा, अभी हमको काम है कितना, इतना कितना काम है, तो इतना काट के निकाल लेते हैं, ठीक है। पता कहां से है, चलो काट के निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ भाग गया, इतने काम है ना, जितना काम है उतने निकाल रहा है। ये धुंधला हो गया, पूरे धुंधले हो गया, तो दूसरा ले लेते हैं फिर से। दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, और दिखेगा साफ, रिफ्रेश हो रहा, अभी ब्यूटी पार्लर गया, दिख रहा, कल का रिवीजन करा दीजिए सर, रिवीजन करते रहो, वीडियो तो पड़ा हुआ है सर, मेरे पास है स्कूल एटलस बुक, अच्छा बात है, तो रहने से कुछ ना होगा, उसको जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है ना, तो अच्छा बात है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो एक तो होगा अरब सागर, कौन होगा ये, कौन सागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महा सागर, हिंद महा, बंगाल की खाड़ी किसका हिस्सा है, हिंद महा सागर, हिंद महा, अरब सागर किसका हिस्सा है, हिंद महासागर। अब देखो अरब सागर में बहुत सारा द्वीप पड़ेंगे, अरब सागर में बहुत सारा द्वीप पड़ेंगे, यहाँ ध्यान दो, हम द्वीप को तीन भाग में बांट के पढ़ेंगे, कौन वाला, वर्ल्ड का नहीं, भारत का,
द्वीप को हम तीन भाग में बांट के पढ़ेंगे, आइलैंड को हम तीन भाग में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीन भाग में कौन, एक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अरब सागर वाला, कौन वाला, अरब सागर वाला, एक पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी वाला, और एक पढ़ेंगे कुछ और द्वीप है भारत में जो काफी इंपोर्टेंट है, वो है नदी वाला, कौन वाला। अरे मान लो कि नदी बह रही है, क्या बह रही है, नदी बह रही है, क्या बह रही है, नदी, और इसके बीच में वो बड़का वो भूमि है, क्या बड़का, क्या बड़ा भूमि का टुकड़ा यहाँ पर है, ठीक है ना, और इस पर गांव ऊ बस गया है, तो क्या है, द्वीप है ना, नदिया के बीच में है, नदी द्वीप नदिया के बीच में है, तो बंगाल की खाड़ी में रहेगा तो बंगाल की खाड़ी वाला द्वीप, अरब सागर में रहेगा तो अरब सागर वाला द्वीप, अरब सागर वाला द्वीप, अरब सागर वाला द्वीप, और एक तो यहीं पर देख लेंगे हम क्या, हिंद महासागर वाला, कौन वाला, हिंद महासागर बोले तो, हिंद महासागर बोले तो ये भी हिंद महासागर है, ये भी हिंद महासागर है, लेकिन इसको एक अलग नाम दे दिया, तो नीचे वाला क्या देखेंगे, नीचे वाला हिंद महासागर। चलो अरब सागर में जो देखेंगे क्या क्या देखेंगे, तो गुजरात से देखना शुरू करेंगे, कहाँ से, यहाँ गुजरात मिलेगा, यहाँ महाराष्ट्र मिलेगा, यहाँ गोवा तनिक मिलता है, कर्नाटक मिलता है, केरल मिलता है ना। तो देखो तो यहाँ पर देखेंगे पहले गुजरात, क्या देखेंगे, तो गुजरात में जो मिलेगा सिर्फ नाम पता रहना है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम बता देंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, छोटा कर दे। तो गुजरात में क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान दो, तो गुजरात में मिलता है बेट, बेट जहां लगा है चल जाना है गुजरात, कहाँ चल जाना है, जहां बेट लगा रहेगा कहाँ जाना है, गुजरात, कहाँ जाना है, पहले लेना है आलिया बेट, क्या लेना है, क्या बोल रहे हैं, आलिया बेट, क्या लेना है, आलिया बेट, आलिया आलिया बेट क्या लेना है, दिखाई दे रहा है ये वाला, नहीं दिखाई देता है, तो आलिया बेट क्या बोल रहे हैं, आलिया भट्ट की आलिया बेट, आलिया बेट क्या, आलिया भट्ट ना, आलिया बेट, आलिया बेट, आलिया बेट, आलिया बेट कहाँ है, गुजरात, आलिया बेट कहाँ है, आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं, और आलिया के भाई खालिया, आलिया भर खालिया, आलिया के भाई खालिया, तो खालिया बेट भी कहाँ, गुजरात, खालिया बेट भी कहाँ, गुजरात, खालिया बेट भी कहाँ, तो आलिया बेट गुजरात, खालिया बेट गुजरात, एक है द्वारका बेट, द्वारका गुजरात में है, तो द्वारका बेट गुजरात, द्वारका बेट गुजरात, द्वारका बेट गुजरात, तो आलिया बेट गुजरात, तुम लोग को आलिया बेट नहीं याद रहेगा लेकिन आलिया भट्ट याद रहेगा, गंगूबाई, अरे गंगूबाई के लोग ने किया था फिल्म में, गंगूबाई ना है फिल्म, क्या है, गंगूबाई, और गंगूबाई में ये गंगूबाई रोल के लिए इसे जो है 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, किसे, आलिया भट्ट को, ठीक है ना। तो आलिया बेट क्या हो गया, आलिया बेट क्या हो गया, आलिया बेट के बाद खालिया बेट, खालिया बेट के बाद द्वारका बेट, द्वारका, और यहीं पर एक मिलेगा साधु बेट, क्या मिलेगा, साधु बेट, साधु, लेकिन साधु बेट क्या है पता है, नदी में है, कहां पर है, तो साधु बेट यहां लिख दिए हैं लेकिन इसको हम यहां भी लिखेंगे, क्योंकि यहां इसलिए लिख दिए क्योंकि सब एक के साथ लिख रहे हैं, बेट 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 बेट, याद हो जाएगा, नहीं याद होगा, तो आलिया बेट गुजरात, खालिया बेट गुजरात, द्वारका बेट गुजरात, साधु बेट गुजरात, इसको को याद करना है, अरे बेट, ओ अरे सही बोल रहा है ना, ये पंछी लिखा गया सुआधु, सुआधु हो गया ना, अरे सही बोल रहा है ना, उस पर ध्यान दो, ठीक है ना, तो याद है साधु बेट गुजरात, साधु बेट तो याद हो गया है ना, आलिया बेट गुजरात, खालिया बेट गुजरात, द्वारका बेट गुजरात, साधु बेट गुजरात, साधु बेट गुजरात, तो ये सभी क्या है द्वीप, ये सभी क्या है। अब आते हैं महाराष्ट्र, कहाँ आते हैं, अरे यहाँ पर गुजरात के नीचे क्या मिलेगा, महाराष्ट्र, क्या मिलेगा, महाराष्ट्र, क्या मिलेगा, महाराष्ट्र, क्या मिलेगा। चलो अभी हम जो है राज वाला जो है ना ये लिख देते हैं और तुम लोग को पता चलेगा अच्छा से, राज वाला, राज में जो है उसको नहीं लिख देते हैं। चलो गुजरात में क्या क्या बताए थे, आलिया बेट, क्या बताए, क्या बताए, आलिया बेट क्या बताए थे, आलिया के भाई खालिया, आलिया के भाई खालिया, तो आलिया बेट के खालिया बेट, आलिया बेट और खालिया बेट, तो आलिया भाई खालिया, अच्छा आलिया का हस्बैंड रणबीर कपूर ना है, यहाँ रणबीर कपूर ने लिख देना, ठीक है ना, आलिया बेट खालिया बेट, आलिया बेट खालिया बेट, द्वारका बेट, कौन बेट, अच्छा द्वारका गुजरात में, द्वारका
द्वारकाधीश कौन था? अरे कृष्ण भगवान, द्वारकाधीश कृष्ण भगवान था। द्वारका बेट गुजरात, एक साधु बेट था। साधु बेट जो है ये अरब सागर में नहीं है, नदी में है। कौन नदी? नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। कौन नदी? और साधु बेट पर जो है ना दुनिया के सबसे ऊंचा प्रतिमा, दुनिया के सबसे ऊंचा प्रतिमा नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप पर है, उसका नाम बताओ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन द्वीप पर? साधु बेट। कौन द्वीप पर? चलो इतना याद हो गया है ना। और चलते महाराष्ट्र, कहाँ चलते हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे इंपोर्टेंट है साल सेठ। क्या है? सेठ बोल रहा है, बेट नहीं। क्या? साल सेठ। जितना को भी सेठ होना है, सेठ होना तो समझ रहा है ना, फिल्मी दुनिया में सेठ होना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो सेठ होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र। सेठ होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो साल सेठ कहाँ है? महाराष्ट्र। साल सेठ कहाँ है? महाराष्ट्र। बम्बई हाई कहाँ है? महाराष्ट्र। बम्बई हाई कहाँ है? महाराष्ट्र। बम्बई हाई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा बताए थे, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र में। जवाहर द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र। जवाहर द्वीप कहाँ है? बताए थे ना, नहावा सेवा बंदर बंदरगाह बताए थे। नहावा सेवा जो बंदरगाह था उसका नाम बदलकर जवाहर बंदरगाह क्यों? क्योंकि उसका नाम है जवाहर द्वीप। नाम क्या है? तो सालसेट कहाँ पर है? महाराष्ट्र। सालसेट कहाँ है? बम्बई है कहाँ है? महाराष्ट्र। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र। जवाहर द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र। और याद रखना सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सालसेट द्वीप पर जो है ना क्या है पता है? तो सालसेट द्वीप पर है मुंबई स्थित। कौन सी स्थित? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जो मुंबई शहर है वो कौन द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप। कौन द्वीप? कौन द्वीप? तो मुंबई जो दिखता है ना वो कहाँ पर है? चारों तरफ से पानी है, कौन सी है? मुंबई सालसेट द्वीप पर है। तो सालसेट द्वीप पर है, ये तो द्वीप क्या है? पानी में। तो मुंबई क्या है? पानी। कहाँ है? कहाँ पर है? तो सालसेट द्वीप मुंबई। और बताओ क्वेश्चन पूछेगा कोई वैसा द्वीप बताओ जहां पर दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या रहता है। वैसा द्वीप बताओ जहां दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या रहता है। तो मुंबई में जनसंख्या भरल ना है? ना भरल है। लेकिन शहर नहीं पूछेगा, शहर पूछेगा तो मुंबई सब मार देगा, बोलेगा द्वीप का नाम बताओ, द्वीप का नाम। तो कौन द्वीप? तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप सालसेट द्वीप। कौन द्वीप? सालसेट द्वीप। कौन द्वीप? सालसेट द्वीप। बम्बई हाई से तेल निकलता है, क्या निकलता है? अरे यहाँ पर बम्बई में, यहाँ पर समुन्द्र में एक द्वीप है, वहां से जो है तेल निकलता है, पेट्रोलियम। क्या निकलता है? क्या वो कुछ हुआ क्या? ठीक तो है, अरे हम सुन रहे हैं। अच्छा वो जब होगा देख लेंगे, हम अब सुनते आ रहे हैं, अब इसलिए सुनते रहते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, तो बम्बई हाई जो है क्या निकलता है? तेल। बम्बई हाई से क्या निकलता है? तेल। क्या निकलता है? भारत में सबसे अधिक जो तेल प्राप्ति होता है, पेट्रोलियम प्राप्ति होता है, वो होता है बम्बई हाई। कहाँ से होता है? बम्बई हाई। और एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप के पास ही है एरोला की गुफा। एरोला की, एलिफेंटा द्वीप बोले या एलिफेंटा की गुफा बोले, एलिफेंटा की गुफा बोले, ये बम्बई में सबसे अच्छा घूमने का जगह है। समुद्र के एकदम बीच में है, जाएगा वहां पे हाथी का पहले मूर्ति बना हुआ है। और एलिफेंटा द्वीप जो नाम रखा पुर्तगाली, कौन रखा है? पुर्तगाली। कोई दिक्कत है? तो महाराष्ट्र में पढ़ लिया, सालसेट महाराष्ट्र, बम्बई है महाराष्ट्र, एलिफेंटा महाराष्ट्र, जवाहर द्वीप महाराष्ट्र। अब यहाँ पर ध्यान दो केरल में आ जाओ, जो केरल में आएंगे तो केरल में एक याद रखना है और उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। कौन द्वीप? कौन द्वीप? कौन द्वीप? वेलिंगटन। कौन द्वीप? तो केरल में वेलिंगटन, केरल में वेलिंगटन, केरल में वेलिंगटन द्वीप, केरल में वेलिंगटन द्वीप, केरल में वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप में क्या होता है पता है? तुमने फिल्म में देखा होगा, बड़का बड़का वो नाव रहेगा, देखा? अरे ऐसे एकदम निकला हुआ मुंह नाव रहेगा, उस पर बहुत लोग बढ़ जाएगा, उसको ऐसे से मार के रेसिंग होता है, देखा?
नहीं रखा फिल्म देखा होगा तो उसमें रेसिंग होता है, बहुत सारा नाम रहेगा उसमें रेसिंग होगा, सब अच्छे से मार रहा है पानी में रेसिंग कर रहा है। तो बेलिंगटन द्वीप में होता है नौकायान, क्या होता है नौकायान रेस, नौकायान नौकायान रेस, नौकायान रेस बेलिंगटन द्वीप में ना होता है। बेलिंगटन द्वीप जो झील में है, बेलिंगटन द्वीप यहाँ पर वो झील है और उस झील का नाम है वेम्बनाड झील, क्या है कौन झील वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड झील में होता है, कहाँ होता है वेम्बनाड झील में होता है, तो वेम्बनाड झील कहाँ है केरल, वेम्बनाड झील कहाँ है केरल, वेम्बनाड झील कहाँ है केरल, और बेलिंगटन द्वीप कौन झील में है वेम्बनाड झील में, बेलिंगटन द्वीप कौन झील में है वेम्बनाड झील, कौन झील वेम्बनाड झील, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो कुछ पश्चिम बंगाल का देखो, पश्चिम बंगाल का देखते हैं, पश्चिम बंगाल में जो द्वीप है उसका नाम क्या है वो देखते हैं, ये क्या है पश्चिम बंगाल, ये क्या है, ये हो गया पश्चिम बंगाल, क्या हो गया यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा। देखो यहाँ अगर तुम दिख रहा है ध्यान से, यहाँ बहुत छोटा छोटा भाग है, छोटा छोटा क्या है अगर दिखाई दे रहा है, अगर तुम मैप देखेगा तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लुचवा में बहुत छोटा छोटा जो है भूमि का टुकड़ा है, इसी में एक है कैलाश द्वीप, कौन द्वीप कैलाश पर्वत नहीं कैलाश द्वीप, कैलाश, तो कैलाश द्वीप कहाँ पर है पश्चिम बंगाल, कहाँ पर है पश्चिम बंगाल, कहाँ पर है पश्चिम बंगाल, यहीं पर एक तो मिलेगा न्यू मुरे, क्या मिलेगा निमूरे, निमूरे गाना सुना है ना, निमूरे बोलते क्या बोलता है निमूरा बोलता है, तो या निमूरे निमूरे निमूरा निमूरे सब ठीक है, ठीक है ना, तो निमूरे क्या हो गया निमूरे, क्या हो गया निमूरे, निमूरे कहाँ पर है वेस्ट बंगाल, कहाँ पर है वेस्ट बंगाल, कहाँ पर है वेस्ट बंगाल, कौन खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में, कौन खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, और ये सब जितना लिखा है कौन कहाँ था अरब सागर, कहाँ अरब सागर, कहाँ यहीं पर मिलेगा सौर तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर क्या मिलेगा गंगा सागर, क्या मिलेगा गंगा सागर, कहाँ है पश्चिम बंगाल, गंगा सागर कहाँ है पश्चिम बंगाल, गंगा सागर कहाँ है, और याद रखना जो गंगा सागर जो है ना गंगा नदी में नहीं करता, गंगा सागर जो है ये गंगा नदी में नहीं है, ये समुन्द्र में, और समुन्द्र में कहाँ तो जहाँ गंगा नदी गिरते वहां पर ना, जहाँ गंगा नदी गिरते है वहां पर हेवे नहीं करता है, गंगा नदी जहाँ गिरता है बांग्लादेश में कहा, और गंगा नदी जो है बांग्लादेश, बांग्लादेश में घुस जाती है उसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये गंगा सागर जो है ये समुद्र में है, लेकिन गंगा नदी के जहाँ गंगा नदी गिरती है वहां पर नहीं है, यह हुगली नदी, कौन है कौन नदी है हुगली नदी, कौन सी है लिखान दे हुगली नदी, कौन नदी कौन नदी, हुगली नदी का मुहाना, मुहाना तो समझ रहा है ना, जहां मुहा गिर रहा है जहां मुहा, तो हुगली नदी के मुहाना पर है, हुगली नदी के, हुगली नदी के मुहाना पर, हुगली नदी के मुहाना पर है, याद हो गया कैलाश द्वीप पश्चिम बंगाल, कैलाश द्वीप गंगा सागर पश्चिम बंगाल, गंगा सागर पश्चिम बंगाल, न्यू मुरे पश्चिम बंगाल न्यू मुरे, और इसी पर विवाद चल रहा है न्यू मुरे पर, बांग्लादेश बोलता है हमर है, भारत बोलता है हमर है, हमर हमर हो रहा है, ठीक है ना, किस पर न्यू मुरे, किस पर न्यू मुरे हो गया है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ आते हैं ओडिशा, कहाँ आते हैं ओडिशा, कौन डिशा ओडिशा, ओडिशा में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ वो झील नजर आ रहा है, आ रहा है समुन्द्र के पास, समुन्द्र के, तो यहाँ पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है विरल द्वीप, कौन द्वीप सबसे इंपोर्टेंट द्वीप है विरल दीप, विलाल दीप, विलाल दीप कहाँ है ओडिशा, कहाँ है ओडिशा, विलाल दीप ओडिशा, विलाल दीप ओडिशा, विलाल दीप ओडिशा में, कौन झील तो यहाँ एगो झील है चिल्का झील, कौन झील कौन झील है तो चिल्का झील कहाँ है ओडिशा, चिल्का झील कहाँ है। अब देखो यहाँ पर जो झील बता रहे वो भी याद करते चल जाओ, ठीक है ना, फिर तो बाद में पढ़ेवे करेंगे लेकिन बार बार सुनेगा तो याद हो जाएगा। तो विलाल दीप कहाँ पास है, चिल्का झील के पास, चिल्का झील के पास, चिल्का झील के, विलाल द्वीप किस राज्य में है ओडिशा, किस राज्य में है, कौन खाड़ी में है बंगाल की खाड़ी, कौन खाड़ी से लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी, और सबसे इंपोर्टेंट विलाल द्वीप के नाम चेंज कर दिया, विलाल द्वीप के नाम और रख दिया है कलाम द्वीप, क्या रख दिया कलाम द्वीप, क्या रख दिया कलाम द्वीप, बोले तो एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे यानी विलाल द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम, विलाल द्वीप का नाम बदलकर ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप, ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप, ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप, कलाम द्वीप कहाँ है ओडिशा,
कलामदीप कहाँ है? कौन झील के पास? छिलका झील। कौन झील के पास? छिलका झील कहाँ है? ओडिशा। छिलका झील कहाँ है? ओडिशा। कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह है आंध्र प्रदेश। ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। ये इतना लंबा चौड़ा जो है, यह क्या है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक झील है। आंध्र प्रदेश में क्या है? यहाँ एक झील दिखता होगा, इसका नाम है पुलिकट। क्या है? पनकट। पुलिकट, याद रखो जो बताते जा रहे हैं। पनकट, पुलिकट, कनकट, पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। लेकिन ये बाउंड्री पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्रिया पर ना है। अरे बाउंड्री पर ना है। तो पुलिकट झील का 20% भाग, 20% तमिलनाडु में, 20% भाग, 30% भाग तमिलनाडु, और 80% भाग आंध्र प्रदेश, 80% भाग। और यहाँ पुलिकट झील जो है, यहीं पर एक द्वीप मिलेगा, श्री हरि कोटा, काफी इंपोर्टेंट है। श्री हरि कोटा, श्री हरि कोटा। तो क्वेश्चन पूछेगा श्री हरि कोटा कौन राज्य में है? आंध्र प्रदेश। कौन राज्य में है? कौन झील के पास है? पुलिकट झील। कौन झील के पास है? और श्री हरि कोटा कौन खाड़ी से लगल है? बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी से? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की। और याद रखना श्री हरि कोटा में ही है, यहाँ लिख देते हैं, श्री हरि कोटा में ही है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सबसे इंपोर्टेंट है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्री हरि कोटा आंध्र प्रदेश, श्री हरि कोटा आंध्र प्रदेश, श्री हरि कोटा। ये इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से होता है जितना भी सैटेलाइट छोड़ता है, अरे जितना भी सैटेलाइट, PSLV, GSLV, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान, जितना भी सैटेलाइट छोड़ता है, सब कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन। ऐसे और भी केंद्र है लेकिन सबसे ज्यादा यहीं से, सतीश धवन अंतरिक्ष सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ पर है? सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्री हरि कोटा, श्री हरि। और श्री हरि कोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? कौन झील के पास है? पुलिकट झील। कौन झील? कोई दिक्कत है? तो ये देख लिए हैं, जो छोटा छोटा द्वीप था वो देख लिए हैं। अब सबसे बड़ा द्वीप बचा है तो अंडमान निकोबार। क्या बचा है? अंडमान निकोबार ना बचा है? अंडमान निकोबार बचा है, तो बचा है यहाँ लक्षद्वीप। क्या बचा हुआ? लक्षद्वीप। क्या बचा हुआ? कोई दिक्कत है? लेकिन उससे पहले देखो नदी द्वीप हमको लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? नदी द्वीप। नदी, नदी द्वीप में दो गो याद रखना है। कितना याद रखना है? नदी द्वीप में मुख्य रूप से दो गो याद रखना है। इसको काटना पड़ेगा, ये पहले फिर जाता है, टच करता है ना, फिर हाथा कामे नहीं करता है। चलो यहां ध्यान दो, क्या बोल रहा है? नदी द्वीप। क्या बोल रहा है? नदी द्वीप। नदी, नदी द्वीप में याद रखना है दो गो, ठीक है ना। एक आपका याद रखना है, सबसे इंपोर्टेंट है मांजुली द्वीप। कौन द्वीप? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, माजुली। और दूसरा याद रखना है उमानंदा। कौन नंदा? उमानंदा। कौन नंदा? उमानंदा द्वीप। और क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड के सबसे बड़ा, वर्ल्ड के, भारत का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी वाला द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। वर्ल्ड के सबसे बड़ा नदी वाला द्वीप कौन है? वर्ल्ड के। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर लिख देते हैं वर्ल्ड का। क्या लिखते हैं? वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप की नदी द्वीप, तो बड़ा नदी वाला द्वीप, नदी वाला द्वीप कौन है? तो वो है मांजुली। कौन है? लेकिन नदी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? वर्ल्ड के सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड ने बताए थे। क्या बताए थे? लेकिन वर्ल्ड के सबसे बड़ा द्वीप कौन है? नदी वाला, माजुली। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा, किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्रा नदी, नदी है ना, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कहाँ है? असम में। कहाँ है? और इतना बड़ा है मांजुली द्वीप के वो जिले बन गया, असम के वो जिला है, असम के क्या है? एक तो जिला है, क्या है? लेकिन वर्ल्ड के सबसे छोटा भी नदी द्वीप होगा, तो वर्ल्ड के सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वह उमानंदा। कौन नंदा? उमानंदा। कौन नंदा? तो ये वर्ल्ड की सबसे छोटा नदी द्वीप, वर्ल्ड की सबसे छोटा नदी द्वीप, छोटा नदी द्वीप कौन है? उमानंदा। कौन है? और ये भी कौन नदी? ब्रह्मपुत्र। कौन नदी? यानी दोनों भारत में, दोनों सबसे बड़ा भी
भारत में माजुली, सबसे छोटा भी भारत में उमानंदा, दोनों असम में, दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के नदी वाला भी देख दिए, देख लिया है ना। अब देखते हैं क्या क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? चलो यहां ध्यान दो, यह है भारत, ये क्या है भारत में देखेगा तो यहां पर जो है, यहां पर अगर देखेगा तो यहां पर श्रीलंका, यहां क्या है, यहां पर जो है इस प्रकार जो है निकला हुआ, यहां पर फिर सट रहा है, तो यहां पर क्या है श्रीलंका, यहां पर क्या है श्रीलंका, श्रीलंका थोड़ा नीचे बनाते हैं तो समझने में ठीक होगा, ठीक है ना, लिखने में ठीक है, श्रीलंका क्या है, श्रीलंका है। और यहां पर जाएगा तो यहां पर तुमको मिलेगा क्या, तो यहां पर मिलेगा बहुत सारा द्वीप मिलेगा, ठीक है ना, बहुत सारा यहां द्वीप मिलेगा, ठीक है, लड्डू 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 हो गया ना। आ इधर मिलेगा क्या, थोड़ा और ऊपर हम बनाते हैं, ये पूरी छाक रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है, क्यों निकोबार है, अंडमान निकोबार, कौन निकोबार, और यहाँ पर जो है बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा नहीं, सब द्वीप को नहीं पढ़ना है, यहाँ पर दो बम बना देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है श्रीलंका, ये क्या है श्रीलंका, श्री लंका, और यहां ध्यान रखना श्रीलंका में यहां पर जो है, यहां पर एक द्वीप है, श्रीलंका में यहां पर क्या है एक द्वीप है, श्रीलंका में है, भारत में है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पंबन द्वीप, क्या 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 बोलते हैं पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन, तो ये क्या है पंबन द्वीप, क्या हो गया पंबन द्वीप, कहां है भारत में, भारत किस राज्य में, भारत का किस राज्य का अधिकार है, तमिलनाडु जो ना है, भूल गया कौन है तमिलनाडु, कौन है तमिलनाडु, और याद रखना पंबन द्वीप पर ही, यहां लिख देते हैं पंबन द्वीप पर ही मिलेगा रामेश्वरम, क्या मिलेगा रामेश्वरम, जो तीर्थ स्थल है कहां पर है पंबन द्वीप, रामेश्वरम तीर्थ स्थल कहां है पंबन द्वीप, कहां है, और पंबन द्वीप के सबसे अंतिम वाला भाग, पंबन द्वीप के सबसे अंतिम वाला, सबसे अंतिम वाला जो छोर है जो श्रीलंका की ओर निकला हुआ है उसको बोलते हैं धनुष कोडी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं धनुष कोडी, धनुष कोडी, धनुष, और यहीं से एगो ब्रिज स्टार्ट होता है, यहीं से क्या स्टार्ट होता है ब्रिज, क्या स्टार्ट होता है यहीं से एक ब्रिज निकलता है जिसको बोलते हैं राम सेतु, यार अरे राम भगवान ना गया था श्रीलंका, गया था ना, यहीं से एक ब्रिज है उसका नाम क्या है राम सेतु, क्या है राम सेतु, राम, अच्छा राम सेतु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे कोई बताओ, राम सेतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रिज ऑफ राम, ब्रिज ऑफ राम बोलते हैं, की बोलते हैं राम्स ब्रिज, राम्स ब्रिज, अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ना ये दोनों गलत है, बोलेंगे आदम ब्रिज, क्या बोलेंगे आदम ब्रिज, आदम आदि काल में बना था, आदि काल में नहीं बना था, आदम ब्रिज क्या बोलते हैं, राम सेतु क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज क्या बोलते हैं, राम सेतु बोले या आदम ब्रिज बोले कोई दिक्कत है, राम सेतु को क्या बोलते हैं आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, आदम आदम ब्रिज, आदम ब्रिज कोई दिक्कत है, और ये कहां से स्टार्ट होता है धनुष कोड़ी, कहां से स्टार्ट होता है धनुष कोड़ी, कहां से, और ये जाता है श्रीलंका के
सबसे उत्तरी बिंदु इसका नाम है तिलैया मैनार। क्या है ये उसको लिख देते हैं, तिलैया मैनार, तिलैया मन्नार, तिलैया मन्नार किसका भाग है? तो तिलैया मन्नार भाग है मन्नार की द्वीप, मन्नार द्वीप, खारी नहीं मन्नार द्वीप, मन्नार जैसे यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर क्या है इसका नाम है मन्नार द्वीप। क्या है? और मन्नार द्वीप के सबसे ऊपरा स्थल है तिलैया मन्नार, तिलैया मन्नार, तिलैया को दिक्कत है हाँ, ये समझ गया है तो ये को दिक्कत ना है ना। मैं भूमिस लेने लिए तो मैप में नहीं दिखेगा, छोटा तो बिंदु बिंदु दे लिया ठीक है ना, इसलिए अपने मन से बना दिया। तो पम्बन द्वीप समझ गया है, पम्बन द्वीप कहाँ पर है, कहाँ पर है तो तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु के, तमिलनाडु में श्रीलंका के बीच, पम्बन द्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु धनुष कोड़ी, धनुष कोड़ी और राम सेतु कहाँ से स्टार्ट होता है, धनुष कोड़ी से और श्रीलंका के किस बिंदु तक जाता है, तिलैया मन्नार, तिलैया, तिलैया मन्नार किस द्वीप का हिस्सा है, मन्नार द्वीप, मन्नार। और राम सेतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज, क्या बोलते हैं? अब यहां ध्यान दो, ये देखो है अंडमान निकोबार, क्या है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, इसको और इधर करते हैं, चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। तो ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा अंडमान निकोबार, कितना है? और बंगाल की खाड़ी में कुल्ले जो है 572 द्वीप है, 572 पढ़ेंगे, 572 पढ़ेंगे पढ़ा के मर जाएगा ठीक है ना। तो जो इंपोर्टेंट था वो पढ़ा दिए, अब पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार, क्या पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान यहां ध्यान दो, ये सुरू का जो चार गो है, ये सुरू का जो चार गो है इसका नाम है, इसको बोलते हैं अंडमान, क्या बोलते हैं अंडमान, क्या बोलते हैं, चारक ना है बहुत है लेकिन मैंने चारक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और यहाँ नीचे जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं निकोबार, क्या बोलते हैं निकोबार, दोनों मिलके अंडमान निकोबार, दोनों मिलके अंडमान निकोबार, दोनों मिलके अंडमान निकोबार, दोनों मिलके। अब बताओ ये अंडमान कहाँ है, सबसे उत्तर में ना है, अरे ये अंडमान कहाँ है, सबसे उत्तर, सबसे कैसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान, क्या बोलते हैं उत्तरी अंडमान, क्या बोलते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी। अच्छा बताओ यहां पर थोड़ा अगर हम कुछ करें, इसको थोड़ा और छोटा बनाते हैं, इसको और छोटा बनाते हैं तब तो समझ आ रहा आएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो अब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। तो ये क्या है उत्तरी अंडमान, क्या है? और इसको बोलेंगे मध्य अंडमान, क्या बोलेंगे मध्य अंडमान, क्या बोलेंगे मध्य अंडमान, क्या बोलेंगे मध्य अंडमान। और इसको बोलेंगे दक्षिण में ना है दक्षिणी अंडमान, क्या बोलेंगे दक्षिणी अंडमान, क्या बोलेंगे? अरे ऊपर वाला उत्तर, मध्य वाला मध्य अंडमान और दक्षिण वाला दक्षिणी अंडमान, दक्षिण वाला। यहां पर थोड़ा हम पिक्चर और सही बनाते हैं जिससे तुम लोगों को कोई दिक्कत ना पहचानने में ठीक है ना। इसको देते हैं बड़ा और इसको थोड़ा देते हैं छोटा ठीक है, चलो यहां ध्यान दो अब। तो ये कौन अंडमान, उत्तरी अंडमान, ये कौन अंडमान मध्य अंडमान, ये कौन अंडमान दक्षिणी अंडमान। लेकिन ये बोलेगा ये हमें कौन अंडमान, तो बोलेंगे तुम छोटका है, कौन सी है छोटा ना, छोटा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं लिटिल, लिटिल नहीं बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं बोलते हैं। तो यह लिटिल अंडमान कौन अंडमान, कौन अंडमान लिटिल अंडमान, कौन अंडमान लिटिल अंडमान, समझ आ गया है। तो सबसे ऊपर वाला कौन है उत्तरी अंडमान, बीच वाला कौन है मध्य अंडमान, नीचे वाला कौन है और सबसे दक्षिण में कौन अंडमान लिटिल अंडमान, कौन अंडमान। अब बताओ कि ये चारों में कौन अंडमान सबसे बड़ा है, पिक्चर देख के बताओ। मध्य अंडमान सबसे बड़ा कौन है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा कौन है मध्य अंडमान, मध्य। अब याद रखना अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचा चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचा चोटी जो है
उसका नाम है सैंडल पिक। कौन पिक? सैंडल पिक, सैंडल, सैंडल होता है पैर में, कहाँ होता है? पैर में। और उसको ले जा पिक पर ले, कहाँ ले लिया? सैंडल पिक। क्या हो गया? सैंडल पिक क्या हो गया? लेकिन सैंडल पिक कौन अंडमान में है? सैंडल पिक कौन अंडमान में है? तो उत्तरी अंडमान। कौन अंडमान? सैंडल पिक कौन अंडमान में है? उत्तरी अंडमान। अंडमान के बाद सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पिक। कौन पिक? कौन अंडमान? उत्तरी अंडमान। कौन अंडमान? उत्तरी अंडमान। कौन अंडमान? सबसे बड़ा अंडमान, माय अंडमान, सबसे बड़ा अंडमान। और सबसे छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल। हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है पोर्ट ब्लेयर? कहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर? पोर्ट। तो पोर्ट ब्लेयर कौन अंडमान में? पोर्ट ब्लेयर कौन अंडमान में? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कौन अंडमान में? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कौन अंडमान में? अंडमान निकोबार की राजधानी कौन अंडमान में? अंडमान निकोबार की राजधानी कौन अंडमान में? तो पोर्ट ब्लेयर में। अब तो राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर कौन अंडमान में? दक्षिणी अंडमान। तो तीन को विशेषता, कितना विशेषता? उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक सबसे ऊंचा चोटी, मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा सबसे, और दक्षिणी अंडमान में राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और लिटिल अंडमान सबसे छोटा। अब बोलेगा ये दोनों कौन सी है? ये जो है इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं कार निकोबार। कौन निकोबार? अरे निकोबार है ना, तो कार निकोबार। कौन निकोबार? कार निकोबार। कौन निकोबार? कार निकोबार। कौन निकोबार? और ई जो है इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ये छोटा है, बड़ा है, तो ग्रेट हो गया। क्या हो गया? ग्रेट खल्ली। ग्रेट निकोबार। कौन निकोबार? ग्रेट निकोबार। कौन निकोबार? ग्रेट निकोबार। कोई दिक्कत है? अब देखो अंडमान एवं निकोबार को कोई अलग करता होगा, अंडमान और निकोबार को कोई अलग करता होगा। और जब दो जमीन के बीच जब पतला सा पानी का रास्ता हो उसे बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं? वो डिस्कवरी चैनल वगैरह ना जो मिलाता है वो चैनल बना है। पानी के पतला संकीर्ण रास्ता क्या बोलते हैं? चैनल। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर एक चैनल है। यहाँ पर क्या है? जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री, तो 8 से ऊपर जाएंगे तो 9 10 क्या मिलेगा? तो इससे थोड़ा ऊपर नहीं ना है, तो यह 10 डिग्री चैनल। कौन डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री, 10 डिग्री, ये कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। ये हो गया अंडमान, ये हो गया, कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। लेकिन कभी घुस के पूछेगा अंदरा में, अंदरा में घुस जाएगा और लगा कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं रहेगा, रहेगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। सही होगा ना? होगा। अरे अंडमान के कौन भाग को अलग करता है? लिटिल अंडमान। और निकोबार के कौन भाग को अलग करता है? कार निकोबार। तो जब अंदर घुस के पूछेगा तो पूछेगा, छोटा मोटा एग्जाम होगा, तो 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? अंडमान निकोबार, अंडमान। और जब बड़ा एग्जाम होगा पीसीएस लेवल का, तो 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान को बोलेंगे लघु अंडमान, न बोलेंगे लिटिल, मतलब लघु, लिटिल मतलब। तो लिटिल के जहां पर लघु लिख देगा तो बौखना ना है कि पूछ दल के। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और यहीं पर रखना, यहां पर वो पास है। यहां पर क्या है? किसके पास? अरे किसके पास? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और इस पास का नाम है डकन पास। क्या है? डकन पास। क्या है? तुम लोग को अभी समझना है, सब लिखा हुआ इसी तरह पिक्चर में मिल जाएगा। डकन पास क्या है? डकन पास। तो डकन पास किसको अलग करता है? लिटिल अंडमान और लघु, सॉरी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। डकन पास किसको अलग करता है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। याद हो गया है, यही मिलेगा। यह है, ये तुम लोग को क्या है पता है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीप वाला देश। इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीप वाला देश। इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीप वाला देश। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश। इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के ये जो द्वीप है भारत की ओर जो लगा हुआ है, उस द्वीप का नाम है सुमात्रा। क्या है?
सुमात्रा क्या है, और यहाँ पर भी पानी घुसल है, अरे समुद्र में है पानी घुसल है, उस पानी का नाम है क्या पता है? तो उसका जो यहाँ पर चैनल बन रहा है, क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं ग्रैंड चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रैंड चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रैंड चैनल। क्या बोलते हैं? तो ग्रैंड चैनल किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया, और अंदर घुसेगा तो ग्रैंड चैनल किसको अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। सुमात्रा किसका भाग है? इंडोनेशिया। सुमात्रा किसका भाग है? इंडोनेशिया। सुमात्रा किसका भाग है? इंडोनेशिया। समझ आ गया? अरे समझा, समझ गया ना? और घर में जाना और पिक्चर बात देख के बोलना, दो तीन बार बोलना याद हो जाएगा, फिर जो है सप्ताह में देख लेना फिर याद हो जाएगा, फिर महीना में देख लेना याद हो जाएगा, उसके बाद जब एग्जाम रहेगा खाली रिविजन करने काम रहेगा, खाली एकदम सटास में रिविजन हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर ध्यान देती है मालदीप, ये क्या है? मालदीप, ये क्या है? मालदीप क्या है? लेकिन यहाँ पर कुछ और बता दे क्या, वो चौथी में बताएंगे, ठीक ना? ऐसे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी, कौन ज्वालामुखी? बैरन ज्वालामुखी, कौन ज्वालामुखी? और ये अंडमान निकोबार के पूरा में, अंडमान निकोबार के, और एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, कौन है? नारकोंडम, कौन है? ये भी पूरा में, ये भी, तो वो सब बताएंगे ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तब। तो चलो, ये क्या है? मालदीप क्या है? और यहाँ पर बहुत सारा द्वीप मिलेगा, बहुत सारा द्वीप मिलेगा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। कौन द्वीप? लक्षद्वीप। कौन द्वीप? लक्षद्वीप। और ये जो है लक्षद्वीप का ये वाला जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं मिनिका। क्या बोलते हैं? तो अंडमान निकोबार की ओर जो द्वीप है लक्षद्वीप वाला, उसे क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार के तरफ जो लक्षद्वीप वाला द्वीप है उसे क्या बोलते हैं? मिनिका। क्या बोलते हैं? और यहाँ सभी को जाता होगा अछांस, को अछांस नहीं आता होगा, अरे अछांस सुतलन रहता है, जैसे यहाँ से गया 10 डिग्री अछांस, तो बोले 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, तो यहाँ सभी को अछांस जाता होगा, उसका नाम है 8 डिग्री। क्या है? 8 डिग्री। क्या है? तो यहाँ जाता 8 डिग्री अछांस, 8 डिग्री, जिसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, तो कौचल बना है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीप एवं मिनिकाय, मालदीप एवं मिनिकाय, मिनिकाय बोले तो लक्षद्वीप, मिनिकाय बोले तो, लेकिन लक्षद्वीप नहीं लिखता, लिख देता मिनिकाय। क्या लिख देता? तो बताओ जल्दी, तो अंडमान क्या बोले थे? अभी हम बोले थे कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव मिनिकाय, मालदीव मिनिकाय, मालदीव मिनिकाय, और 8 के ऊपर हम जाएंगे तो मिलेगा 9। क्या मिलेगा? 9। क्या मिलेगा? 9। क्या मिलेगा? अरे 8, 9, और ऊपर गए तो 10, 8, 9, 10 ना हो गया, तो ये हो गया 9 डिग्री। क्या हो गया? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता किसको? मिनिकाय को लक्षद्वीप से। यह लक्षद्वीप का राजधानी है काबारती, लक्षद्वीप का राजधानी काबारती, लक्षद्वीप का राजधानी काबारती, लक्षद्वीप का राजधानी काबारती। तो मिनिकाय जो है यह भी लक्षद्वीप एक भाग है, लेकिन किसी को हम जानते हैं उसके राजधानी से, राजधानी से। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो मालदीव मिनिकाय, मालदीव मिनिकाय, मालदीव मिनिकाय, मालदीव, और 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकाय लक्षद्वीप, मिनिकाय लक्षद्वीप, मिनिकाय लक्षद्वीप, मिनिकाय, और 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान में लघु अंडमान, निकोबार में कार निकोबार, अंडमान में लघु अंडमान, निकोबार में कार निकोबार, याद हुआ? 8, 9, 10 लगातार बोलना है। 8 डिग्री मालदीव मिनिकाय, 8 डिग्री मालदीव मिनिकाय, 9 डिग्री मिनिकाय लक्षद्वीप, मिनिकाय लक्षद्वीप, मिनिकाय लक्षद्वीप, और 10 डिग्री अंडमान निकोबार, 10 डिग्री अंडमान निकोबार, अंडमान में भी लघु अंडमान, निकोबार में भी कार निकोबार, कोई दिक्कत है? और यहाँ जब जाएंगे ना तो यहाँ पर एक और द्वीप मिलता है, बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। क्या बोलते हैं? लैंडफॉल द्वीप। क्या बोलते हैं? लैंडफॉल द्वीप। और इसका ऊपर जाएंगे तो मिलेगा कोको द्वीप। क्या मिलेगा? कोको द्वीप। क्या मिलेगा? कोको द्वीप पर कौन देश का अधिकार है? म्यांमार। किसका है? कोको द्वीप पर कौन देश का अधिकार है? म्यांमार। कोको द्वीप पर कौन देश का अधिकार है? म्यांमार। कोको द्वीप भारत का था, किसका था? यह अंडमान निकोबार जो दिख रहा है ना, अंडमान निकोबार को जो है जापान जीता था। कौन जीता था? अंडमान निकोबार को जापान जीत लिया था, लेकिन जापान की दोस्ती जो है सुभाष चंद्र बोस से बहुत था, सुभाष चंद्र बोस से, तो सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दे दिया। कौन दे दिया? कौचा पूछ बताओ कि अंडमान निकोबार गिफ्ट में किसे मिला था?
सुभाषचंद्र बोस, सुभाषचंद्र कौन दिया था? जापान। कौन दिया था? जापान। और कोको द्वीप को भी दिया था, कोको द्वीप को भी। लेकिन भारत बोला थोड़ा हम भी दानी बनते हैं, और कोको द्वीप था भारत का, कोको द्वीप था। अब भारत पर गर्वा दे दिया म्यांमार, किसको दे दिया? भारत दे दिया है म्यांमार, भारत दे दिया है। और म्यांमार छोटा क्या किया है? म्यांमार यहाँ पर चीन के सेना बैठा दिया है। किसका सेना? चीन के सेना यहाँ बैठा दिया है। किसका सेना बैठा दिया है? चीन के सेना बैठा दिया है। और चीन तो दुश्मन है हमारा ना, तो गेटवा छीन लेंगे, क्या करेंगे? अरे गेटवा क्या करेंगे, छीन लेंगे, चलो कोई दिक्कत है। और यहाँ कोको द्वीप, यहाँ मिलेगा कोको चैनल, क्या मिलेगा? कोको चैनल क्या मिलेगा? कोको चैनल क्या मिलेगा? कोको चैनल, कोई दिक्कत है? तो चलो ये सारा देख लिया, इंपोर्टेंट क्या है फिर बता देते हैं। इंपोर्टेंट क्या है तो बताओ, अभी जो हम बताए थे, 10 डिग्री चैनल किससे अलग करते हैं? अंडमान निकोबार, ये इंपोर्टेंट है। अंडमान में किसका? लघु अंडमान और कार निकोबार। 8 डिग्री चैनल किससे अलग करते हैं? मालदीव मिनिकाय मालदीव। 9 डिग्री चैनल किससे अलग करते हैं? मिनिकाय लक्षद्वीप मिनिकाय। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार अंडमान। ग्रैंड चैनल अंडमान सुमात्रा अंडमान निकोबार और सुमात्रा। अंडमान निकोबार और अंडमान में कौन? तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये तो अंडमान हो गया, निकोबार हो गया। निकोबार में कौन? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पीक, ऊंचा चोटी सैंडल पीक। राजधानी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। राजधानी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। पंबन द्वीप कहाँ है भारत में? कौन राज्य में? तमिलनाडु में। और राम सेतु कहाँ से स्टार्ट होता है? धनुष कोड़ी, धनुष कोड़ी। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। टाइम हो गया कि तो दिक्कत है, घर में जाना, इसका फोटो भी भेज देंगे, अपने बनाना, फिर अच्छी लिखा हुआ तो मिलिए जाएगा, ठीक है ना? बहुत ही जाके मतलब बता दिया है, क्वेश्चन भी ना छूटेगा। इसमें जो इंपोर्टेंट है समझ आ गया ना? खत्म कर दिया, हाँ खत्म कर दिया है। थोड़ा यहां ध्यान दो, थोड़ा यहां ध्यान दो, एक मिनट मीटिंग हो, थोड़ा यहां ध्यान दो। कुछ जो है हिंद महासागर में द्वीप है, ऐसे यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखेगा कुछ हिंद महासागर में है। जैसे श्रीलंका कहां पर है? हिंद महासागर। श्रीलंका कहां पर है? मालदीव कहां है? श्रीलंका कहां है? हिंद महासागर में। मालदीव कहां है? यह मालदीव। यह क्या है? मालदीव। क्या है? मालदीव है। और यहां मिलेगा चागोस। क्या मिलेगा? चागोस द्वीप कहां है? हिंद महासागर। चागोस कहां है? हिंद महासागर। लेकिन चागोस पर अधिकार किसका है? पगलवा ब्रिटेन का है, छोड़ के गबे ने किया। किसका है? ब्रिटेन। चागोस पर ब्रिटेन, चागोस पर ब्रिटेन, चागोस पर। लेकिन चागोस का एक द्वीप है, चागोस द्वीप समूह है। जैसे अंडमान निकोबार में बहुत सारा द्वीप था, तो चागोस में भी बहुत सारा द्वीप है। उसमें एक नाम है डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे, चागोस डियागो गार्सिया सब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चागोस हिंद महासागर में, अधिकार ब्रिटेन। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में, अधिकार ब्रिटेन, अधिकार ब्रिटेन, अधिकार। लेकिन ब्रिटेन का दोस्ती अमेरिका किससे? अमेरिका किससे? अमेरिका किससे? अमेरिका का सेना कहाँ रहता है? डियागो गार्सिया। अमेरिका का सेना कहाँ रहता है? डियागो गार्सिया। अमेरिका के जो नौसेना है हिंद महासागर में भी रहता है कहाँ? डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया। यहीं पर तुमको मिलेगा मॉरिशस। क्या मिलेगा? मॉरिशस, मोरी। तो मॉरिशस एक देश है, कौन कौन महासागर में? हिंद महासागर। मॉरिशस हिंद महासागर, मॉरिशस हिंद महासागर। और यही मिलेगा सेशेल्स। क्या मिलेगा? सेशेल्स भी देश, सेशेल्स भी कौन महासागर? हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर। कौन महासागर? और यहाँ पर है ये मालदीव, सॉरी मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। मेडा कौन महासागर? हिंद महासागर। कौन महासागर? हिंद महासागर। और यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है रीयूनियन। क्या है? रीयूनियन, री। और रीयूनियन द्वीप पर किस देश का अधिकार है? फ्रांस। किसका? फ्रांस। किसका? फ्रांस। किसका? फ्रांस। किसका? फ्रांस का है रीयूनियन। फ्रांस। कौन महासागर? हिंद महासागर।
सेसर्स हिंद महासागर, मॉरिशस हिंद महासागर, चागोस हिंद महासागर, डियागो गार्सिया हिंद महासागर, अधिकार ब्रिटेन, ली यूनियन हिंद महासागर, अधिकार फ्रांस, मेडागास्कर हिंद महासागर, मालदीव हिंद महासागर, श्रीलंका हिंद महासागर, कोई दिक्कत है? चलो इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम हो गया, अब बताओ थोड़ा। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकाय, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकाय, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय लक्षद्वीप, मिनिकाय लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान ग्रैंड चैनल, तो निकोबार ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा, एवं सुमात्रा, एवं सुमात्रा, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पीक, सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पीक, सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पीक, विलल द्वीप ओडिशा, विलल द्वीप ओडिशा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्री हरिकोटा, गंगा सागर पश्चिम बंगाल, गंगा सागर पश्चिम बंगाल, सालसेट महाराष्ट्र, सालसेट महाराष्ट्र, मुंबई सालसेट, मुंबई सालसेट द्वीप, आलिया बेट गुजरात, खालिया बेट गुजरात, द्वारका बेट गुजरात, साधु बेट गुजरात, रिविजन करना हो जाएगा, ठीक है? आज थोड़ा ज्यादा अंदर चल गए ना, ज्यादा चल गया तो बीपीएससी क्वेश्चन है, बीपीएससी में से पूछा था, इसलिए अंदर घुस गए थोड़ा, ठीक है? ऐसे याद हो गया होगा, समझने में कोई दिक्कत ना है ना, अब थोड़ा खाली अति करना है, ठीक है? अगर आप टारगेट भी पढ़ाना चाहते हैं तो बेच लेना होगा, एडमिन में लिख रहा है, एग्जाम निकल जाएगा सर बिहार पुलिस का, कहा ना निकलेगा, उसके लिए एक परफेक्ट तैयारी होना चाहिए, सब सब्जेक्ट पढ़ेगा पकड़ लेगा तो, ठीक है ना? और कमेंट कीजिए आप लोग, चलो कौन क्लास, कौन दिन, हाँ बोला गांव में दीप नहीं है क्या, गांव में दीप नहीं है, गांव में नदियां मिलेगा, चल जाना, बढ़िया आएगा ना, अब बढ़िया जब आएगा तब बीचा में कोई धरती निकल रहेगा उसमें, चल जाना, बोला दीप है, और ज्यादा बढ़िया आया तो उसको भी डुबा देगा, अथुम भी बह जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छा सर जी, ऐसे ही पढ़ाइए सर जी, मतलब बहुत ज्यादा चल गए हैं इतना, मतलब कोई टीचर, मतलब कोई टीचर नहीं बताता है लेकिन इससे क्वेश्चन आता है इसलिए बता दिए, बीपीएससी का अभी कौन क्लास होगा, बीपीएससी के लिए उसको उर्दू में पढ़ाएंगे, आएगा तो क्या करेगा, अरे पूछो ना अंदर क्या करेगा, अंदर बाहर सब बीपीएससी आ सकता है, कौन है, हेलो Thank you.